आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग जा रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ रायपुर से लगा हुआ चंदखुर्री कौशल्या माता मंदिर और चलते हैं आपको दिखाते हैं वहां का भव्य मंदिर। हम लोग रायपुर शंकर नगर कंचना होते हुए सड्डू विधानसभा रोड निकल ही राजकीय निर्माण कार्य पे हैं। आज का मौसम भी अच्छा है, बादल छाए हुए हैं और यहाँ का नज़ारा भी अच्छा है, सब पेड़ पौधे और खेत। यहाँ आने के लिए आप बाइक टैक्सी ऑटो से आ सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं चंदखुर्री, यहाँ कौशल्या माता मंदिर और यहाँ आसपास ठेले लगे हुए हैं सब नारियल प्रसाद के लिए। राम वनगमन पर्यटन परिपथ माता कौशल्या धाम। ये भाई लोग राजनांदगांव से आए हैं। भाई कौन सा मोहल्ले से आए हो? लोकल आशीष डांडेकर, हसमणी डांडेकर जी। दिन भाई मन से मुलाकात हुई से और सामने भगवान राम जी की भव्य प्रतिमा। ये बिया मंदिर प्रांगण में खाना या नाश्ता करना सख्त मना है, देखे जाने पर 500 रुपये दंड लिया जाएगा। मतलब आप मंदिर आ सकते हैं, जैसा आप खाना या नाश्ता जो भी ला रहे हैं उसको बाहर से ही करना है, आपको यहाँ मंदिर के अंदर खाना या नाश्ता नहीं करना है। और ये भगवान राम जी का भव्य समूर्ति देखने को मिल रहा है, बहुत अति सुंदर है। और यहाँ से हम जाएंगे मंदिर की ओर, तो चले चलते हैं। इस गढ़ का प्राचीन नाम कौशल था। इस पावन भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवपूर्ण अस्मिता है। स्थित माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार तो 1973 में वासिता राम स्वामी वल्द नारायण स्वामी नायडू हिस्सेदार मालगुजार व ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से किया गया था। सिंह जलाशय के मध्य स्थित है। माता कौशल्या का जन्म वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुर्री नामक ग्राम में हुआ था। कौशल्या माता का नाम अमृत प्रभा और पिता का नाम सुकौशल्या था। कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर यही चंदखुर्री में स्थित है, जहां माता कौशल्या बाल स्वरूप श्री राम को। यहां हम आए हुए हैं और ये वीआईपी गेस्ट हाउस है, जो वीआईपी है मंत्री सदस्य लोग इनके लिए ये गेस्ट हाउस है। आप पीछे देख रहे हैं यहां मंदिर और यहां झील के बीचों बीच है यहां मंदिर, इतना अच्छा है। अभी हम लोग खड़े हैं झील के जस्ट सामने, यहाँ झील के सामने नज़ारा बहुत अच्छा है। और उधर की ओर गेस्ट हाउस अभी तैयार हो रहे हैं, वहाँ कैंटीन भी बन रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है। यहाँ बहुत मतलब अभी बना, आप देख रहे हैं जस्ट मेरे पीछे माता कौशल्या का मंदिर और ये सामने आपको दिख रहा है ज्योति कक्ष है। आप भी आइए और यहाँ घूमिए और हम लोग को बताइए कमेंट में कि कैसा है। अभी हम माता का दर्शन करने जा रहे हैं। चप्पल जूता स्टैंड, यहाँ आप चप्पल जो हैं चप्पल जूता रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ झील।
के बीच में बना हुआ है यह माता का सैया का मंदिर। झील का पानी तो बहुत ही एकदम साफ हमको नज़र आ रहा है। चंदखुरी को सैकड़ों साल से पूर्व तक चंदखुरी देवताओं की नगरी मानी जाती है। मंदिर परिसर के मैदान में खाद्य सामग्री ये मंदिर हम पहुंच गए हैं और यह ज्योति कक्ष मंदिर को अभी कुछ अपडेट के लिए यहाँ सब तैयारी है। श्री सुखेन वैद्य जी महाराज जी का मंदिर राजा दशरथ की या आवाज जिसमें भगवान श्री राम भ्रसत्रोहन कुछ एक बार देने में खींच चलते जा नहीं मैं तो यहाँ भोलेनाथ शिव शंभु का प्रतिमा और नंदी महाराज जी साथ में बहुत ही सुंदर है। जय भोले जय शिव शंभु ओम नमः शिवाय हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
आइए अब हम आपको मंदिर की जानकारी देते हैं। मंदिर के महाराज के माता जी का जन्म स्थान है माँ कौशल्या और भगवान श्री रामचंद्र जी का यह प्रतिमा है जो प्राचीन काल से स्वयंभू प्राकट्य है। भगवान श्री रामचंद्र जी बाल स्वरूप में है, इनको माता कौशल्या जी गोद में लेके बैठी हुई है। और ये माँ कौशल्या जी का पिता राजा भानुमंत जी का राज्य था दक्षिण कौशल, और यहाँ पे सुशैन वैद्य महाराज जी का समाधि भी है। और ये कौशल्या माता जी का प्रतिमा विश्व में एक ही है। और भगवान बाल स्वरूप का दो जगह ही आपको मिलेंगे, पहला अयोध्या, दूसरा यहाँ चंदखुरी धाम। और यहाँ मंदिर का भी निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, मंदिर का भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है मंदिर का, जो अभी कार्य चल रहा है, अभी प्रगति पर है काम। ठीक है, धन्यवाद। भगवान श्री राम जी का ननिहाल माता कौशल्या मंदिर, आप भी आइए। हम तो आए और दर्शन करके हमारा मतलब मन जो है पूरा आनंदमय हो गया, हमको बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। आप भी आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए, और यहाँ का जो झील है वो उसको घूमिए, बहुत ही सुंदर है सब। हाँ, माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी। मंदिर और आसपास का जो ध्यान है वो अभी निर्माणाधीन है, यहाँ अभी काम चल रहा है बनने का। और हमको तो यहाँ बहुत मज़ा आया आने के बाद, यहाँ का नज़ारा और मौसम तो बहुत अच्छा था। आप भी आइए और हर चीज। हम लोग का भी दर्शन हो चुका है और अब हम लोग घूम भी लिए, अब अपने घर के लिए वापसी होंगे। और यहाँ का रात में लाइट भी चालू हो गया है, और लाइट चालू होने के बाद नज़ारा कुछ अलग सा है यहाँ देखने को। आप भी आइए और हम लोग को कमेंट में बताइए हम लोग का वीडियो कैसे लगा आपको। इस चित्र में भगवान के बाल स्वरूप से लेके वनवास तक को दर्शाया गया है। जय श्री राम।